करौंदी कॉलोनी में ट्रांसफार्मर खराब होने से 150 घरों में पसरा अंधेरा। शिवपुरी के वार्ड नंबर 36 के पार्षद एमडी गुजर ने आज कलेक्टर को आवेदन सौंप कर बताया कि करौंदी कॉलोनी में 150 घरों में लाइट नहीं है, वहीं अंधेरा पसरा हुआ है। 150 परिवार अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 36 करौंदी कॉलोनी में पार्षद एमडी गुजर ने बताया कि जनता बिजली कटौती से परेशान है। करौंदी के आम वाले एरिए में जहां 150 परिवार रहते हैं, वहां ट्रांसफार्मर फूका हुआ है। बिजली विभाग लगातार लाइट काट रहा है। 5 दिन से लाइट बंद होने से स्थानीय रहवासी काफ़ी परेशान हैं। कई परिवारों में 10वीं और 12वीं के छात्र हैं, उन्हें भी पढ़ाई में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और राहगीरों को अंधेरे में निकलना पड़ता है। कलेक्टर से गुहार लगाते हुए पार्षद ने कहा कि छात्र छात्राएँ अपनी पढ़ाई कर सकें, इसलिए DP को सही कराकर लाइट चालू करवाने की कृपा करें। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शायदा बानो। कहाँ रहते हो? करौंदी कॉलोनी में। कलेक्टेड आए हो? किस समस्या लेके आए हो? जी, लाइट की समस्या से ही आए हैं सर। क्या हो गया? अरे 5 दिन से हमारी लाइट खराब पड़ी है, तो उसमें कोई हमारी सुनी नहीं दिया, इसलिए मजबूर होके इधर आना पड़ा। बिजली घर जाते हैं, समस्या यही है कि लाइट नहीं आती, टाइम से लाइट नहीं आ रही, तो पानी नहीं आ रहा, और बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे, पेपर आ रहे हैं गरीब, इसलिए परेशान है। तो आपने बिजली विभाग में जाकर संपर्क किया इस बारे में? हाँ, मैं 5 दिन से बराबर कर रही हूँ। पार्षद ने भी किया था, और पार्षद भी बोल के आए हमारे MD भाई, वो भी बोल के आए, और 5 दिन से बराबर कर रहे हैं हम। एक घंटे में आ रहे हैं, आध घंटे में आ रहे हैं, मतलब ये कह रहा है 20 मिनट में आ रहा है, 20 मिनट में आ रहा है, 20 मिनट नहीं हुए अभी तक। कौन सा वार्ड है आपका? 36। कितने घरों की लाइट नहीं? 200 घर हैं। आज जो आवेदन दिया है आप लोगों ने मिलकर, क्या कुछ आवेदन है? हमारे मटका को दे दे। आवेदन DP को लेके दिया है। मेरे वार्ड में हमारे ऊपर वाले आम वाली बस्ती एवं ऊपर वाले आम वाली बस्ती से DP से लाइट काट दी गई है, करीबन 200 घरों। क्यों काट दी गई? उनका कहना है कि लाइट DP खराब हो गई है। कब से? करीबन 6 दिन हो गए। तो इससे आपने अपने विद्युत विभाग में? मैंने 2 बार उनको सूचना की है, 2 बार उनको जानकारी दी है। वो आए दिन आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, वो यहाँ टाल रहे हैं मुझे। तो ऐसा क्या है जो तुम्हारे वार्ड में हमेशा लाइट को लेकर समस्याएं आती रहती है? है मेरे वार्ड को नगर पालिका भी और लाइट विभाग भी ग्रामीण क्षेत्र की दृष्टि देखते हैं लोग, हमेशा प्रोफेशनल लोग रहते हैं या गरीब लोग रहते हैं, तो उनको गरीबों की दृष्टि से देखे तो उनको हर चीज का निकाला जाता है, उनको ध्यान दिया जाता है उन पर। आपके जो वार्ड में जो लोग पढ़ रहे हैं, उनका फिर कैसे, क्या अपना सुचारू रूप से अपना अध्ययन चल रहा है? नहीं, अध्ययन नहीं कर पा रहे बेचारे, स्कूल पढ़ने जाते हैं, स्कूल लौट के घर आ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो अभी क्या आश्वासन आपको दिया गया था? तो 2-3 दिन में आपकी DP रखवा देते हैं, और अभी अधिकारी को सूचना करके आपकी DP की जानकारी देके क्या व्यवस्था करवाएगा।